वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के होने वाले बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए क्लास 10th केमिस्ट्री का पेपर पैटर्न। क्या आखिर केमिस्ट्री का पेपर पैटर्न क्या होगा और आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से होने वाले हैं जिनको आप प्रिपेयर करके अपने बोर्ड एग्जाम्स में एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो अपने वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको आज बताया जाएगा कि आपका केमिस्ट्री क्लास 10th ICSE का पेपर पैटर्न कैसा होता है, किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो भी आपको ये क्वेश्चंस बताए जाएंगे वो आपके लेटेस्ट स्पेसिमेन पेपर के अकॉर्डिंग है कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो देखिए, जो हमारा केमिस्ट्री का पेपर होता है क्लास 10th का, पहले तो ये जो इसका मार्क्स होता है 80 मार्क्स का आपसे पेपर पूछा जाता है, और जिसके लिए टोटल 2 घंटे का समय आपको दिया जाता है। टोटल 2 घंटे का समय होता है पेपर में, ठीक है। अब इसमें 2 सेक्शन आते हैं, तो आपको सभी को पता होगा कि हर एक पेपर में 2 सेक्शन आ रहे हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। जो हमारा सेक्शन ए होता है ये कौन सा सेक्शन है, तो सब आपको पता होगा सारे सब्जेक्ट्स जैसे ही सेक्शन ए आपका कंपलसरी वाला सेक्शन है। इसमें जो भी क्वेश्चंस दिए गए उन सबका हमें आंसर करना होता है, ठीक है। और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको 1 घंटे से कम का समय लेना है, लेस देन 1 आवर, क्योंकि अगर आप यहाँ से अपना समय बचाओगे सेक्शन ए से तो ही अपने उस टाइम को आप सेक्शन बी में यूटिलाइज़ कर पाओगे, क्योंकि सेक्शन बी थोड़ा सा लेंदी होता है, ठीक है। अब सेक्शन ए को अगर देखा जाए तो इसमें टोटल 40 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं सेक्शन ए में, टोटल 40 मार्क्स। अब इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला आपका होता है क्वेश्चन नंबर 1 एंड एक दूसरा क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो अब न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 1 में आपको टोटल 15 MCQ दिए जाएंगे, 15 MCQ दिए जाएंगे, और हर एक क्वेश्चन कितने का होगा, तो 1 मार्क का होगा जो आपका MCQ होगा। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है टोटल 15 मार्क्स का होगा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। देन अगर हम क्वेश्चन 2 की बात करें तो क्वेश्चन 2 में आपको टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 5 नंबर के होंगे, ठीक है। अब जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा हो सकता है कि वो डायग्राम वाला क्वेश्चन हो, मतलब आपको कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हो। क्वेश्चन नंबर 2 में दूसरा पार्ट जो पूछा जाएगा, नहीं टोटल आपको इसमें 5 पार्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। डायग्राम आपको दे दिया जाएगा, उसको आपका नेम करना होगा, IPSC नेमिंग लिखने होंगे। दूसरा आता है आपका मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन, इसमें पूछ सकता है आपसे मैच द फॉलोइंग, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3rd है, इसमें आपसे पूछ सकता है फिल इन द ब्लैंक्स, और हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 में आपसे पूछा जा सकता है वन वर्ड आइडेंटिफाई, ठीक है, वन वर्ड आइडेंटिफाई। क्वेश्चन नंबर 5 जो पांचवे टाइप का क्वेश्चन है आपसे पूछा जा सकता है ड्रा द स्ट्रक्चर, ठीक है, प्लस IUPSC नेम करने के लिए। तो ये 5 तरीके के क्वेश्चन आपसे सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछे जा सकते हैं। हो सकता है इनका नंबरिंग इधर उधर हो सकता है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, तो 5 मार्क्स का होगा। इस तरह टोटल 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के, तो जो क्वेश्चन नंबर 2 आपका होगा टोटल 25 मार्क्स का होगा क्वेश्चन नंबर 2। कितने मार्क्स का होने वाला है क्वेश्चन नंबर 2। तो इस तरीके से आपके सेक्शन ए का डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपके केमिस्ट्री के पेपर में। इसमें 2 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 आपका होता है 15 मार्क्स का, जो कि इस बार MCQ रहने वाला है। इन क्वेश्चन नंबर 2 आपका होता है जिसमें 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन दिए गए होते हैं, जैसे डायग्राम वाले, मैच द फॉलोइंग वाले, फिल इन द ब्लैंक्स वाले, वन वर्ड आइडेंटिफाई वाले, ड्रॉ द स्ट्रक्चर वाला, और IUPSC नेम वाला, ठीक है। देन जो हमारा अगला है सेक्शन बी, तो आप सभी को जैसे पता होगा कि जो हमारा सेक्शन बी है ये वैसे भी क्या रहा होता है, तो ये ऑप्शनल होता है। सेक्शन बी हमारा कैसा होता है, तो ऑप्शनल, यानी इसमें टोटल हमें कह लो कि टोटल इसमें आपको दिए जाते हैं 6 क्वेश्चन, जिसमें से किसी 4 को हमें करना होता है। डू एनी 4 आपसे पहले ही बोला गया होता है, ठीक है। टोटल आपको 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका होगा, क्वेश्चन नंबर 4 होगा, क्वेश्चन नंबर 5 होगा, क्वेश्चन नंबर 6 होगा, क्वेश्चन नंबर 7 होगा, क्वेश्चन नंबर 8 होगा। इस तरीके से टोटल आपको 6 क्वेश्चन इसमें दिए जाते हैं। हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है, और आपको इनमें से कोई 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन होते हैं कैसे, स्मॉल आंसर इन सब पार्ट्स। ये सारे क्वेश्चन कैसे होते हैं, तो सारे के सारे होते हैं आपके जो भी क्वेश्चन आपकी वहाँ होते हैं सारे कैसे हो रहे होते हैं, तो स्मॉल आंसर्स
इन सब पार्ट्स, यानी हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ सब पार्ट्स देखने को मिलेंगे, जैसे ए बी सी कर देगा, और सभी के बहुत छोटे छोटे आंसर लिखने होते हैं, दो दो नंबर क्वेश्चन कर होते हैं, दो नंबर, तीन नंबर, एक नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, एक नंबर तो नहीं कहेंगे, दो दो नंबर वाले क्वेश्चन आपके ज़्यादा मिलते हैं, और सबको आपको आंसर सब पार्ट के फॉर्म में देना होता है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन में, जैसे इसमें किस किस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो टाइप ऑफ क्वेश्चन इन ईच, पहला पूछा जाता है हमसे आइडेंटिफाई वाला, आइडेंटिफाई पूछ सकता है, दूसरा आपसे पूछ सकता है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का, फिर पूछ सकता है रिएक्शन वाला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है सेक्शन बी में, रिएक्शन पूछ लेगा, न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे आपसे, न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, रीजन वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देन आपसे डिफाइन वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देन आपसे पूछा जाएगा कन्वर्जन वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन का जो नंबरिंग है इधर उधर हो सकता है, सारे क्वेश्चन आपस में मिक्स होते हैं। दूसरा बात, कोई भी फिक्स चैप्टर नहीं है, जैसे आप ज्योग्राफी को देखे होंगे उसमें क्या होता है, कुछ एक चैप्टर फिक्स हैं कि इस चैप्टर से ही हमारा सेक्शन बी का क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसमें कोई चैप्टर फिक्स नहीं है, मिक्स करके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, मिक्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं, सभी चैप्टर्स को मिक्स करके आपसे पूछा जाता है। तो ये आपका पेपर पैटर्न होता है, कह लो कि आपके जो पेपर होता है बोर्ड एग्जाम का, दो पार्ट में डिवाइड है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन बी जो आपका होता है भी 40 मार्क्स का होता है, इसमें आपको 40 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं सेक्शन बी में से भी। तो इस तरह से देखो आपके पेपर को डिवाइड किया गया है। अब देन हम आगे अगर बात करें हमारे लिए कि इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा होने वाला है, उस पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग का चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है, चैप्टर वाइज आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो देखो जो मैंने यहाँ पे एक प्रोफार्मा बना रखा है, ये आपके बोर्ड चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का है, कि जो आपके स्पेसिमेन पेपर, जो भी बोर्ड ने आपका स्पेसिमेन पेपर रिलीज़ किया था 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रिपेयर किया है। तो अगर इसमें देखा जाए तो जो आपका चैप्टर है पीरियोडिक टेबल, जो आपका चैप्टर है पीरियोडिक टेबल, इससे टोटल 11 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। आप देख सकते हो केमिकल बॉन्डिंग से 7 मार्क्स के, एसिड बेस एंड साल्ट से 10 मार्क्स का, एनालिटिकल केमिस्ट्री से 4 मार्क्स का, मोल कॉन्सेप्ट से 11 मार्क्स का, इलेक्ट्रोलाइसिस से 7 मार्क्स का, मेटलर्जी से 9 मार्क्स का, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स से 6 मार्क्स का, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स बाय अमोनिया से 9 मार्क्स का, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स बाय नाइट्रिक एसिड से 6 मार्क्स का, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ H2SO से H2SO4 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 13 मार्क्स का, एंड प्रैक्टिकल ज्योमेट्रिक केमिस्ट्री से 3 मार्क्स के। इस तरह का टोटल आपका चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप एक बार दोबारा सही से पढ़ सकते हैं। मैंने भी बता रखा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में कितने क्वेश्चन आए हैं किस चैप्टर से, क्वेश्चन नंबर 2 में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में कौन से चैप्टर से पूछे गए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन सबको आप चाहो तो डिटेल में देख सकते हो, मैं स्क्रीन पर बड़ा कर दे रहा हूँ, आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट लेके एक बार इनका स्टडी कर सकते हो। जैसे ये हमारा पहला स्क्रीनशॉट ले लो, देन आगे हम लोग चलते हैं, आप ये दूसरे पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो आप सभी के लिए बोर्ड एग्जाम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है, अगर देखा जाए तो आपके लिए पहला रहने वाला है, यही हमारा पहला चैप्टर जो है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देन अगर मार्क्स के अकॉर्डिंग हम बात करें तो पहला चैप्टर तो आपका ये इंपॉर्टेंट है, इसी में अगर मार्क्स के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करें तो जो हमारा अगला चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो आपका है इलेक्ट्रोलाइसिस। देन जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए होने वाला है वो आपका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देख लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल 13 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस में आपसे 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, थोड़ा ईजी होता है इनको समझना। देन 11 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पीरियोडिक टेबल एंड प्रॉपर्टीज से पूछा जा रहा है, देन 11 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे मोल कॉन्सेप्ट से पूछा जा रहा है, जो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल फॉर्म में आते हैं, इनको आप अच्छे से कर लेना। एंड ये जो हमारे बेसिक चैप्टर है आपको ये देख के आइडिया मिल गया होगा कौन सा चैप्टर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बाकी एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा जिसमें आपको टॉप 5 केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए जाएंगे। तो अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू।